हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आइए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी पढ़ी थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो चलिए आज उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था फुल्ली ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो था हमारा फुल्ली ओन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इसका मतलब है पूर्ण स्वामित्व युक्त निर्माण सुविधा। ये हमारा सिक्स पॉइंट है, यानी सिक्स स्ट्रेटजी है। ये क्या कहता है कि बाजार प्रवेश की इस व्यूहरचना का प्रयोग तब किया जाता है जब एक कंपनी विदेशी बाजार में दीर्घकालीन तथा महत्वपूर्ण हित देखती। अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन मार्केट में रहना है तब जाकर वो इस प्रोसेस को, इस स्ट्रेटजी को यूज करेगी। ऐसी दशा में वहां पूर्ण स्वामित्व युक्त निर्माण में निर्माण सुविधाएं स्थापित की जाती है। किसी विदेशी बाजार में महत्वपूर्ण क्षेत्र में पाव जमाना है तो उस समय तक सरल नहीं होगा जब तक कि एक फर्म या उत्पादक वहां भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो जाता। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। यहां पर लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। ये है ए नाम की एक कंपनी, यह है बी नाम की एक कंपनी। एक सेकेंड, पहले यहां पर बी नहीं बनाते हैं, यहां पर सिर्फ कंट्रीज बनाते हैं। एक सेकेंड, ये है हमारा इंडिया, ये है जापान। ठीक है, इंडिया को अगर जापान में दीर्घकालीन अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचना है, यहाँ वहाँ पर अपनी सेल को बढ़ाना है, तो उसको वहाँ पर अपनी जो प्लांट्स है वो स्टैब्लिश करने होंगे। यानी इंडिया को अपने जो भी प्लांट्स है वो वहाँ लगाने होंगे। जब तक एक प्रोड्यूसर या फिर जब तक एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, जो भी आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, अगर वो किसी, जिस देश में वो सामान बेचना चाहता है वहाँ पर अगर वो अपना प्लांट नहीं लगाएगा, यानी वहाँ पर अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब तक वो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर बना नहीं रह सकता। जब हम एक किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम उस देश में लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन अवधि तक अपने पाँव जमाए रखें, तो उस कंडीशन में उसको उस देश में फिजिकली अवेलेबल होना ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जो भी उसका प्लांट है वो पूरा का पूरा कहाँ स्टेब्लिश करना है उसको, जिस कंट्री में उसको एंट्री करनी है, यानी फॉरेन मार्केट में उसको अपना पूरा प्रोडक्ट का जो प्लांट है वो वहाँ सेट करना होगा। इस इन शॉर्ट के फुल्ली ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यानी जिस कंट्री में हम सेल कर रहे हैं वहीं पर वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक कि जिस कंट्री में हमको सामान बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, उसी कंट्री में अगर हम निर्माण की सुविधाएं भी अवेलेबल करवाए तो वो हमारा मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी का एक फुल्ली ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम एक मार्केट से फॉरेन मार्केट में हम एंटर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और अपना जो प्रॉफिट है उसको कर सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। समझ आ गया होगा आप लोगों को? एक बार वापस से मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ, शॉर्ट में होता क्या है। चलिए इसको एडवांटेजेस देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, एडवांटेज ऑफ फुल्ली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यानी निर्माण सुविधाओं से
निर्माण सुविधाओं से पूर्ण स्वामित्व युक्त वाली सुविधाएं, इसके क्या क्या लाभ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि यह फर्म को उत्पादन तथा गुणवत्ता पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है, कंट्रोल ऑन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। पूरा पूरा कंट्रोल यानी पूरा पूरा नियंत्रण देती है क्वालिटी पर और प्रोडक्शन पर। सेकंड है लाइसेंसिंग तथा अनुबंध निर्माण की तरह इसमें भावी प्रतिस्पर्धियों के विकास की जोखिम नहीं होती है, यानी लो रिस्क पर काम करता है ये। जैसा कि लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्टिंग करता है वैसा ही ये भी काम करता है। पूर्ण स्वामित्व युक्त निर्माण सुविधा के कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, जैसे डिफेक्ट्स में ये दो एडवांटेजेस है और इसके कुछ डिफेक्ट्स देख लेते हैं। चलिए डिफेक्ट्स देखिए। सबसे पहला हाई कॉस्ट। अगर एक बात बताइए, अगर हम अपना पूरा प्रोडक्ट का जो सेटअप है, पूरा जो अपना प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्शन हाउस है, अगर हम फॉरेन कंट्री में वहां जाकर उसको एस्टेब्लिश करें, प्लांट मशीनरी लेबर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे एक्सपेंस हमारे बढ़ जाएंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। ये उसका एक डिफेक्ट है। सेकेंड है हमारा कि पूर्ण स्वामित्व युक्त निर्माण सुविधा में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर है हमारी कि कुछ बेसिक, हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे क्लाइमेट के अनुसार ही वो बन पाएगा, हम सिर्फ उनको फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट या फिर किसी और एंट्री स्ट्रेटजी के थ्रू हम फॉरेन में भेज सकते हैं, ना कि हम उसको वहां पर बना सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ गर्मी में होती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ इंडिया में ही होती है, तो वहाँ वो जो प्रोडक्ट है वो हम जापान में जाकर नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनसे अलग है। क्लियर है यहाँ पर। फिर है कि कुछ एक्सपेंस जो है, जो भी हमारे जो बेसिक नीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है हमारे लिए। तो इस तरह से ये हमारे कुछ डिफेक्ट्स है किसके, फुल्ली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। क्लियर है यहां पर। फिर नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा असेंबली ऑपरेशन, यानी कि असेंबली ऑपरेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एक फॉरेन कंट्री में अपने जो फॉरेन मार्केट है उसमें एंटर कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यदि एक निर्माता ऐसे अनेक लाभ चाहता है जो विदेशी निर्माण सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह स्वयं विदेशी बाजार में जाना नहीं चाहता, तो ऐसे निर्माता चयनित विदेशी बाजार में असेंबली सुविधाओं की स्थापना कर सकता है। असेंबली ऑपरेशन की स्थापना निर्यात तथा विदेशी निर्माण के बीच की व्यवस्था है, क्रॉस बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग, यानी क्रॉस बिटवीन बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड ओवर सीज मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है, यानी कि असेंबली ऑपरेशन की स्थापना निर्यात तथा विदेशी निर्माण के बीच की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, यानी रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यह है कि असेंबली ऑपरेशन इज अ वेरिएशन ऑफ द सब्सिडियरी, ये एक सहायक के रूप में काम करता है। असेंबली ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी एक कंट्री में काम कर रहे हो, या फिर फॉरेन कंट्री में आपको काम करने जाना है, इच्छा है, पर आप जा मतलब
कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो पर आप उस फॉरेन कंट्री में जाना नहीं चाहते हो, आप उस फॉरेन कंट्री में खुद जाकर वो सामान बेचना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक असेंबली ऑपरेशन करवा सकते हो, यानी कि आप अपने किसी एक प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री के साथ अपने प्रोडक्ट को असेंबल करवा कर आप थर्ड कंट्री में बेच सकते हो। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ रॉ मटेरियल जो होते हैं वो आप किसी और कंट्री में रॉ मटेरियल किसी और कंट्री में भेजकर उससे पूरा अपना पूरा प्रोडक्ट बनवा सकते हो किसी और कंट्री से, यानी असेंबल करवा सकते हो, और असेंबल करवाने के बाद उस प्रोडक्ट को आप वापस अपनी होम कंट्री में मंगवा कर किसी थर्ड कंट्री में या फिर किसी भी और कंट्री में या फिर किस उस ही कंट्री में जिसमें आपने रॉ मटेरियल भेजा है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो और उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। यानी होम कंट्री में मंगवा लिया आपने और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप सेल कर दो, वो होता है असेंबली ऑपरेशन। यानी किसी एक देश के साथ दूसरा देश मिलकर कुछ पार्ट्स या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके कुछ अंग या कुछ पार्ट को हम किसी दूसरे देश के साथ मिलकर बनाते हैं और फिर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद उस दूसरे देश से अपना प्रोडक्ट वापस मंगवा कर उसको किसी और कंट्री में बेच देना या फिर उसको उसी कंट्री में बेच देना फुल तैयार करके, वो होता है हमारा असेंबली ऑपरेशन। यानी दो कंट्री एक साथ मिलकर एक ही प्रोडक्ट पर काम करती है, ठीक है, असेंबल करने का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी है जॉइंट वेंचर, यानी विदेशी बाजार में प्रवेश करने का ये सबसे फेमस सबसे लोकप्रिय स्ट्रेटजी है। इससे विदेशी विनियोक्ता स्थानीय विनियोक्ता के साथ मिलकर एक संयुक्त साहस कंपनी का निर्माण करते हैं जिसमें वे स्वामित्व और नियंत्रण में सहभागिता करते हैं। विदेशी संयुक्त साहस परिचालन विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे लाइसेंस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग मैनेजमेंट, या फिर कुछ भी ऐसा पॉइंट या स्ट्रेटजी हो सकता है जिससे वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्ट क्रिएट कर सके। इसका जो उदाहरण है, सबसे पहले हम उदाहरण से ही बात करते हैं। इसका उदाहरण है मारुति सुजुकी। मारुति थी इंडिया की कंपनी, सुजुकी हमारी थी जापान की कंपनी। दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाने का यानी कार बनाने का डिसाइड किया उन्होंने। उसका नाम रखा मारुति सुजुकी, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ मिलकर अपनी पार्टनरशिप को अपने प्रोडक्ट को आपस में बांट सकती है और एक साथ मिलकर उस प्रोडक्ट को बना सकती है। जैसे यहाँ पर जो भी कंट्रोल होगा वो भी पूरा पार्टनरशिप में होगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी तरह से जो प्रोपोर्शन रेशियो होगा उसी में होगा, यहाँ पर जो रिस्क है वो भी बराबर हिस्सों में तय हो सकती है। इन शॉर्ट कि एक कंट्री एक देश किसी विदेशी या फिर किसी डोमेस्टिक के साथ मिलकर एक संयुक्त साहस कंपनी निर्माण करते हैं जिससे इन्वेस्टर को ये फायदा होता है कि वो दूसरी कंट्री में, यहाँ पर जैसे इंडिया है तो इंडिया को अगर जापान में कार बेचनी है तो वो जापान की कंपनी के साथ यानी सुजुकी के साथ मिलकर कार बनाता है जिससे उसको मार्केट का रिस्क, मार्केट का प्रचलन और मार्केट का डिमांड पता चल जाता है और उसको इन्वेस्टर को लो कॉस्ट में और ज़्यादा बेनिफिशियल या फिर ज़्यादा प्रॉफिट में वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो ये था हमारा संयुक्त साहा जॉइंट वेंचर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स में देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जॉइंट वेंचर का बेनिफिट, रॉयल्टी की तुलना में इक्विटी सहभागिता के द्वारा भावी प्रत्याय बेहतर या ज्यादा प्राप्त होता है, यानी रिटर्न जो होता है वो ज्यादा मिलता है, क्लियर है। सेकेंड है हमारा उत्पादन तथा नियंत्रण पर बेहतर नियंत्रण संभव है,
कंट्रोल बेटर हो सकता है। फिर है हमारा कि बेटर मार्केट फीडबैक मिल सकता है, यानी बेहतर बाजार प्रतिपुष्टि मिल सकती है, बेटर मार्केट फीडबैक, क्योंकि सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी है और जापान में ही अगर प्रोडक्ट बना रहे और बेच रहे हैं तो वहाँ की कंपनी उस पूरे मार्केट को बेहतर तरीके से जानती है। क्लियर है? फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अधिक अनुभव प्राप्त होता है। फॉरेन मार्केट में अगर फॉरेन कंपनी के साथ ही अगर हम मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या उस फॉरेन कंपनी को उस मार्केट के बारे में एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा हो सकता है? जी हाँ, एक्सपीरियंस हो सकता है ज़्यादा, जिससे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा थर्ड कंट्री लोकेशन। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हमारी थर्ड कंट्री लोकेशन यानी तृतीय देश स्थितिकरण। स्थितिकरण ये सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है क्योंकि इसको समझना बहुत इजी है। सबसे पहला चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेशी बाजार में प्रवेश की इस व्यूहरचना का उपयोग कभी कभी किया जाता है जबकि जब राजनीतिक कारणों से दो देशों के मध्य किसी प्रकार का वाणिज्यिक व्यवहार नहीं होता है या राजनीतिक कारणों से दो देशों के मध्य प्रत्यक्ष व्यवहार काफी जटिल होता है तब इनमें से एक देश की फर्म जो विदेशी बाजार में प्रवेश करना चाहती है वह किसी तीसरे देश से अपनी व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करवाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं सिंपल सा, बहुत इजी सा, जिससे आपको समझ आ सकता है। हम एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये एंट्री स्ट्रेटजी समझ आ सके। बाय लैंग्वेज आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझना इजी, समझना जरूरी है और आप एग्जाम्पल से ज्यादा इजीली समझ सकते हो। देखो ये सिर्फ जो एग्जाम्पल मैं यहाँ फॉर्मेट कर रही हूँ बना रही हूँ वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका रियालिटी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए सबसे पहला है ए, सेकेंड है हमारा बी, थर्ड है हमारा सी। ए ने, ए एक कंट्री है, कंट्री वन, कंट्री टू एंड कंट्री थ्री, ठीक है। कंट्री वन यानी कंट्री वन के कुछ राजनीतिक जो इश्यूज है वो कंट्री जो टू है यानी कंपनी ए चाहती है कि मैं कंट्री टू यानी बी में कुछ सामान अपना प्रोडक्ट अपने सेल करूं, पर राजनीतिक इश्यू के कारण, पॉलिटिकल इश्यूज के कारण वो कंट्री वन कंट्री टू में ऐसा कुछ सामान भेज या एक्सपोर्ट या कुछ भी इम्पोर्ट नहीं कर सकती, पर वो चाहती है कि मैं कंट्री टू में अपने पैर पसारूं। कंट्री वन कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगी? कंट्री सी से, यानी कंट्री थ्री से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कंट्री थ्री ए जो है वो सी, ए जो है वो सी को अपना सामान अपने प्रोडक्ट सेल करेगा जिससे सी बी को अपने प्रोडक्ट बेच सकता है। यानी ए अगर बी को नहीं बेच सकता है परंतु ए जो है वो सी को अपना सामान बेचकर, थर्ड कंट्री को बेचकर वो अपना सामान थर्ड कंट्री से सेकेंड कंट्री में ला सकता है, जिससे ए न चाहते हुए यानी डायरेक्टली वो बी में कुछ अपना सामान नहीं बेच रहा है पर इनडायरेक्टली वो ए से सी तक भेज रहा है और सी डायरेक्टली उसका सामान कहाँ? बी में बेच रहा है। यानी डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ राजनीतिक और कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं गवर्नमेंट सरकार के आपस बीच में जिसकी वजह से एक कंट्री एक देश किसी दूसरे देश में सामान नहीं बेच पाता है, प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाता है, परंतु वो किसी तीसरे देश की सहायता से दूसरे देश में सामान बेच सकता है, वो भी कैसे? इनडायरेक्टली। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा
तृतीय देश स्थितिकरण जो इसके जो इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स है वो ये है कि आपके ए और बी के जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ए का जो रिलेशन सी से है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जिससे कॉरपोरेशन की भावना भी बढ़ती है। तो इस तरह से ये था हमारा थर्ड कंट्री लोकेशन। इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में अपना पैर पसार सकते हैं और अपनी एंट्री स्ट्रेटजी को लागू कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक एंट्री स्ट्रेटजी है जिससे हम अपने फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं स्ट्रेटजी